नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बात आपकी। बात आपकी में भागलपुर से अजीत कुमार। आपको बता दें कि यूपी का बुलडोजर अब बिहार में भी चलने लगा। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर अब बिहार में भी चलते हुए दिख रहा है। आज बिहार के भागलपुर में बुलडोजर चलते हुए दिखा। ये बुलडोजर अतिक्रमणकारियों के ऊपर चल रहा था। यही फर्क है कि यूपी में अपराध करने वाले अपराधियों के घर मकान को ध्वस्त करने के लिए योगी का बुलडोजर चल रहा है, और बिहार में नीतीश कुमार का बुलडोजर झुग्गी झोपड़ी और अतिक्रमणकारियों पे चल रहा है। भागलपुर में आज तिलका मांझी चौक से लेकर स्टेशन चौक तक अतिक्रमण, सड़क के किनारे अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारियों पर नीतीश कुमार का बुलडोजर चला। इस बुलडोजर चलाने में तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि जिस समय यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था, आम पब्लिक से काफी नोकझोंक हुई, सामने पड़े दुकानदार से भी नोकझोंक हुई। उसके बाद भी काफी मशक्कत के बाद अतिक्रमण हटाने का कार्य भागलपुर पुलिस प्रशासन चला रहा है। आपको बता दें, आगे भी देखा जाए तो पहले भी यह अतिक्रमण उस रोड से हटाया गया था आज से कुछ दिन पहले, लेकिन फिर पुनः उसी रोड पे वहीं फिर अतिक्रमण कर लिया जाता है। प्रत्येक 3 माह 6 माह में भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, और फिर 3 माह 6 माह में पुनः अतिक्रमण हो जाता है। तो इस तरह भागलपुर पुलिस प्रशासन की विफलता, एक तरह पुलिस प्रशासन अच्छे काम करके दिखाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वहीं अतिक्रमणकारियां पुलिस प्रशासन के अरमानों पर पानी फेर देती है और पुनः अतिक्रमण कर लेती है। इस तरह पुलिस प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच कब तक चलते रहेगा? आज अतिक्रमण हटा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, कल फिर अतिक्रमण कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी का बुलडोजर भागलपुर में भी उतर गया है, और देखते हैं इस बुलडोजर से कहां और कब तक अतिक्रमण हटाया जाता है। मैं भागलपुर से बात आपकी के लिए अजीत कुमार, धन्यवाद। Hey, 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 hey